फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूज रहता है। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 16 नवंबर से स्टार्ट है। तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, एग्ज़ाम में जो तुक्का लगाते हैं ना स्टूडेंट लोग, अपने ये नहीं आ रहा ये कर लेंगे, तो वो करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी के वजह से जो आ रहा है उसका भी नंबर आपका कट जाता है। तो तुक्का लगाना बिल्कुल मत कीजिए। आप जब एग्ज़ाम हॉल में गए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुक्का लगाओ कब लगाना है बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको वहाँ करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, जीएस हो गया, उसमें तो टिक लगाना रहता है, तो उसको पढ़ के बना लोगे। और रीजनिंग और मैथ्स में अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दोबारा ट्राई करो, दोबारा भी नहीं होगा तो उसको स्किप कर दो और जीएस और हिंदी इंग्लिश में चले जाओ। उसमें सारा जो जो आपको आ रहा है वो 100% श्योर हो, टिक लगा लो, उतना मार्क्स आपका कंफर्म है कि उतना मार्क्स आपका आ जाएगा, सेफ है वो मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइम बच चुका है, उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगाओ। अगर तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का तभी आप लगाओ जब आप 50% श्योर हो कि यही आंसर होगा, समझे। नहीं तो क्या होगा, जो आपका सही आंसर है 70% आपका जो सही की हो या फिर 30% सही की हो, वो इंक्रीज होने की जगह और आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका सेम वो नंबर नहीं रहेगा। और सेकंड आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जाना है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है, पूरा माइंडली में लोड लेके नहीं जाना है, पूरा फोकस मतलब एग्ज़ाम पे लेना है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना एग्ज़ाम से पहले बहुत सारा लोड ले लेते, टेंशन ले लेते, तो ऐसा कुछ नहीं, पूरा फ्री माइंड होकर जाना है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। क्योंकि जब तक आप फ्री माइंड नहीं रहोगे तब तक आप तो जो आ रहा है वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आप मतलब जो नई क्वेश्चन आएगा आप गलत कर दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लॉस हो जाएगा, आपका जो फोकस है वो भी आपका चला जाएगा, तो आप वहाँ डिमोटिवेट भी हो सकते हो। तो आप लोग एक काम कीजिए, एग्ज़ाम जब रहेगा तो आप लोग घर से जब जा रहे हो तो जो भी आपका टेंशन है, फैमिली मेम्बर या फिर पर्सनल कोई मैटर का टेंशन है, तो वो उस समय तक एक घंटा दो घंटा उसको भूल जाओ, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए, तो आपका आई होप सो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम देने टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फोकस और सेकेंड है आपका मोटिव। अगर आप किसी चीज़ का लोड लेके वहाँ जा रहे हो एग्ज़ाम देने, तो आप नहीं दे पाओगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।